हिंचे साग की पकोड़ा बनाने के लिए मैंने लिया है हिंचे साग, देख लीजिए। और अभी बनाएंगे इसका बैटर। चलिए बैटर तैयार करते हैं। बैटर बनाने के लिए मैंने लिया है बेसन, ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून, राइस फ्लोर, बेसन है 5 टेबल स्पून, इसके अंदर 1 टेबल स्पून राइस फ्लोर, 1 टेबल स्पून मैदा। राइस फ्लोर इसको क्रिस्पी बनाने में मदद करेंगे और मैदा हमारा बाइंडिंग में मदद करेंगे। और अभी मैं ऐड कर दूंगी हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट। सारे सूखे चीज़ों को ऐसे मिला लीजिए फर्स्ट में। सूखे आइटम्स हमारा मिक्स हो गया है, तभी ऐड करेंगे पानी और इसको ऐसे मिलाएंगे। देख लीजिए बैटर का कंसिस्टेंसी ऐसा होना चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला, ऐसा कंसिस्टेंसी में। इसको बहुत ही अच्छे से एक बार फेंट लीजिए। तो देख लीजिए बैटर हमारा रेडी हो गया है। चलिए अभी कढ़ाई चढ़ाते हैं। देख लीजिए हिंचे साग को ऐसे बैटर में पोर कीजिए ऐसे। और चलिए अभी ऑयल पे चढ़ाते हैं। देख लीजिए मैंने ऑयल चढ़ा दिया है, ऑयल को भी गर्म होने दीजिए। ऑयल हमारा गर्म हो गया है तो ऐसे एक पकौड़ी को दे दीजिए। सेम प्रोसेस में मैं दूसरे को भी दे रही हूँ। देख लीजिए मैंने सारे पकौड़े को चढ़ा दिया है। अभी एक साइड को होने दीजिए लो फ्लेम में। देख लीजिए इसको भी पलट दीजिए ऐसे, और दूसरे साइड को होने दीजिए। पलट दीजिए दूसरे साइड को होने दीजिए। इन लोगों को और एक बार पलट देंगे। देख लीजिए इसे पलट दीजिए, दूसरे साइड को होने दीजिए, इसे पलट दीजिए। देख लीजिए मेरा हिंचे साग की पकौड़ा भी रेडी है। इसको मैं अभी निकाल लेती हूँ, साफ कर देती हूँ। देख लीजिए हिंचे साग की पकौड़ा भी हमारा रेडी एंड सर्व्ड। कैसा लगा मेरा रेसिपी? अगर अच्छा लगे ना तो मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इतने अच्छे अच्छे रेसिपीज के नोटिफिकेशन के लिए नीचे बेल बटन को भी दबा देना। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।